हेलो स्टूडेंट, सत्यम प्राइवेट आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सभी का स्वागत। आज कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आए हैं, एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, फिर उसका सोल्यूशन करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक नंबर में क्या है, एडिशन स्क्रू प्रकार के एडिशन स्क्रू प्रकार के एडिशन स्क्रू प्रकार के लैंप होल्डर के बाहरी की तरफ बाहरी की तरफ चूड़ी किए हुए भाग को चूड़ी किए हुए भाग को डैश के साथ जोड़ा जाना चाहिए। यहाँ पे देखिए किस प्रकार का स्क्रू की बात कर रहा है। एडिशन टाइप का स्क्रू है, स्क्रू होल्डर है। वो स्क्रू होल्डर को किस प्रकार से जोड़ा जाना चाहिए, यानी कि उस होल्डर में जो इसकी बाहरी तरफ चूड़ी कटे होते हैं यानी पेच कटे होते हैं, उसमें कौन सा भाग जोड़ा जाना चाहिए, यानी फेस जोड़ना चाहिए या न्यूट्रल जोड़ना चाहिए। तो जहाँ भी एडिशन प्रकार का स्क्रू होता है वहाँ पे उसके चूड़ी वाले भाग में हमेशा न्यूट्रल तार को जोड़ना चाहिए। तो इसका आंसर हमें क्या हो जाएगा, न्यूट्रल वायर। क्या जोड़ना चाहिए, न्यूट्रल वायर को कहाँ पे जोड़ना चाहिए, जो चूड़ी वाला भाग होता है उसमें न्यूट्रल वायर जोड़ना चाहिए, और उस होल्डर के बीच में जो पॉइंट होते हैं उसमें क्या जोड़ना चाहिए, फेज जोड़ना चाहिए। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या बन रहा है, एडिशन स्क्रू प्रकार के लैंप होल्डर के बाहरी की तरफ चूड़ी के हुए भाग को डैश के साथ जोड़ा जाना चाहिए। किसके साथ जोड़ा जाना चाहिए, न्यूट्रल वायर के साथ जोड़ा जाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, एक गैस से भरे हुए टंगस्टन फिलामेंट का लैंप का कार्यकारी तापमान होता है। जो गैस से भरे हुए टंगस्टन फिलामेंट, उसमें जो फिलामेंट लगा हुआ है वो किस चीज का लगा हुआ है, टंगस्टन का लगा हुआ है। वहां पे टंगस्टन फिलामेंट लैंप का कार्यकारी तापमान कितना डिग्री होता है, तो टंगस्टन फिलामेंट लैंप का कार्यकारी तापमान कितना होता है, 23,000 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि वो टंगस्टन फिलामेंट जो लैंप होती है वो 23,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक कार्य कर सकता है, यानी कि 23,000 डिग्री सेंटीग्रेड से जो है वो अधिक तापमान पे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, यानी फिलामेंट टूट जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, फ्लोरोसेंट लैंप सर्किट में
फ्लोरोसेंट लैंप सर्किट में, फ्लोरोसेंट लैंप सर्किट में चौक क्वाइल का क्या काम है? फ्लोरोसेंट सर्किट में चौक क्वाइल, चौक क्वाइल का क्या काम है? जो फ्लोरोसेंट लैंप होती है उसमें जो चौक लगा होता है तो वो चौक का क्या काम है? तो चौक का क्या काम होता है कि वो क्या करता है, प्रारंभ में जो है स्टार्टिंग वोल्टेज को इम्प्लीस करता है और जो है करंट को क्या करता है, सीमित करता है। इसका आंसर क्या होगा, करंट को सीमित करना। क्या करना, करंट को सीमित करना, करंट को सीमित करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्लक्स डेंसिटी का मापन, फ्लक्स डेंसिटी का मापन डायस में क्या जाता है? यानी फ्लक्स डेंसिटी को किसमें मापते हैं, फ्लक्स डेंसिटी का मात्रा क्या होता है, टेस्ला होता है। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, टेस्ला। फ्लक्स डेंसिटी का मात्रा क्या है, टेस्ला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाइट फैन सब सर्किट में, लाइट फैन सब सर्किट में अधिकतम लोड कितना होता है? यानी कि लाइट और फैन, ये क्या है, लाइट और फैन सब सर्किट, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सब सर्किट यानी ऊपरी पर जहां पे सर्किट दिया रहता तो वो क्या होता है कि वहां पे हाई पावर का रिक्वायरमेंट है, यानी कि अधिक, जैसे फ्रिज, गीजर, ये अधिक के लिए। यहाँ पे क्या दिया है, लाइट और फैन, तो लाइट और फैन हमेशा सब सर्किट लगता है यानी कि ऊपरी पथ में। तो यहाँ पे बता रहा है क्वेश्चन कि लाइट फैन सब सर्किट में अधिकतम लोड कितना होता है, तो लाइट फैन सब सर्किट में अधिकतम लोड कितना होता है, 800 वाट। कितना होता है, 800 वाट, यानी कि एक सर्किट से 800 वाट से अधिक हम लोड ऊपरी पथ में नहीं दे सकते हैं। और सर्किट में रहता तब कितना होता है, 1000 वाट से 1200 वाट के बीच में, यानी लाइट फैन के लिए कितना होता है, 800 वाट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठोस कौन का मात्रक क्या है? छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठोस
कौन का, ठोस कौन का मात्रक, मात्रक क्या है, ठोस कौन का मात्रक क्या है, ठोस कौन का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियम। इसका आंसर क्या होगा, स्टेरेडियम। ठोस कौन का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 60 कैंडेला पावर की, 60 कैंडेला पावर के, 60 कैंडेला पावर के स्रोत के द्वारा, स्रोत के द्वारा स्रोत के द्वारा कुल कितने फ्लक्स का उत्सर्जन, कुल कितने फ्लक्स, फ्लक्स का उत्सर्जन, उत्सर्जन होगा। 60 कैंडेला पावर के द्वारा स्रोत में जो है कितना फ्लक्स की उत्सर्जन होगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 60 कैंडेला किसमें है, पावर कितना दिया है, 60 कैंडेला है, तो इसका जब हम उत्सर्जन होगा तो कितना होगा, 754.2 ल्यूमेन, यानी कितना होगा, 754.2 ल्यूमेन फ्लक्स उत्सर्जन होगा। कितना, जब हमारे पास 60 कैंडेला पावर होगा तब हमारा ल्यूमेन कितना होगा, 754.2 ल्यूमेन फ्लक्स उत्पन्न करेगा। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही क्वेश्चन को देखते हैं, फिर अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं।